हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। गाइज, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइज, ये पांच वर्स्ट ट्रेंड ऐसे हैं जो 16 टू 21 एज वाली यूथ ये ट्रेंड को फॉलो करती है एंड फिर बाद में उन्हें रिग्रेट होता है। गाइज, मैं जो आप लोगों को ये पांच वर्स्ट ट्रेंड बताऊंगा, उनमें से एक ट्रेंड हर कोई टीनेजर करने की सोच रहा होगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो पहले नंबर पे है गाइज, हेयरलाइन। ये 2020 का वर्स्ट ट्रेंड में इसलिए आता है क्योंकि गाइज, अगर आपके फॉरहेड के ऊपर प्रॉपर हेयर शेप में नहीं रहते तो आप हेयरलाइन कर लेते हो, जो कि सिर्फ एक दो दिन अच्छा दिखता है। एंड जब हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो वहाँ पे हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो बहुत वियर्ड और बहुत गंदा दिखता है गाइज। सो आप हेयरलाइन बिल्कुल ना कराए। अब बात करते हैं सेकेंड वर्स्ट ट्रेंड, हेयर टैटू। गाइज, हेयर टैटू हर किसी पे अच्छा नहीं लगता। अगर आप कोई अच्छी पर्सनालिटी को देख के हेयर टैटू करवा रहे हो तो आप बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि सब पे ये सूट नहीं करता। ना करवाने से अच्छा रहेगा गाइज, क्योंकि अगर आपने एक बार हेयर टैटू करवा लिया एंड आप पे वो अच्छा नहीं दिखा तो गाइज कोई मतलब नहीं है करवा के। एंड गाइज, अब आते हैं थर्ड नंबर पे आता है गाइज, आईब्रोज कट और आईब्रोज लाइन कट। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा, आईब्रोज कट बहुत वियर लुक देता है गाइज, फिर भी आप लोग को चाहिए कि आपके आईब्रोज अट्रैक्टिव दिखे, तो आप आईब्रोज को प्रॉपर शेप दे सकते हो अट्रैक्टिव दिखने के लिए। अब आते हैं गाइज नंबर फोर्थ, टैटूज। गाइज, टीनेज में आप इजीली किसी का भी टैटू देख के टैटू बनवा लेते हो, बट वो मीनिंगलेस रहता है, फिर आप फ्यूचर में जाके रिग्रेट फील करते हो। सो गाइज, बेटर है कि आप अबाउट 20 में ही टैटू बनाएं, अगर आपका 20 एज में ही आप टैटू बनवाएं। अब आते हैं गाइज नंबर फाइव, ओवर एक्सेसरीज। मोस्टली आप टिकटॉक स्टार और एनी रैंडम इन्फ्लुएंसर को देख के आप एक्सेसरीज पहन लेते हो, लाइक रिंग, ब्रेसलेट और इयररिंग्स, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। ओवर एक्सेसरीज आपकी पर्सनालिटी को फुल डिस्ट्रॉय कर देती है गाइज, एंड ओवर एक्सेसरीज अच्छी भी नहीं लगती है। आप इजीली अपनी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय मत करो अंडर एनी इन्फ्लुएंस। सो गाइज, अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो आप बेसिक लुक से स्टार्ट करें। गाइज, अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप, हेयर स्टाइल और लुक को देख के ही अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। जो दिखता है आप उसको ईजिली एक्सेप्ट मत करो, बिकॉज उनकी और आपकी पर्सनैलिटी में, हेयर स्टाइल में, फेस शेप में बहुत डिफरेंस है गाइज। सो आप बेसिक से अपना पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।